प्रदेश के खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर जावरा में भी 50% की संख्या के अनुसार दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। उसी के साथ नियमों का पालन कराने के लिए राजस्व पुलिस प्रशासन का अमला मैदान में उतरा और अनलॉक में किसी भी प्रकार के नियमों की उल्लंघना न हो, इसको लेकर भी लगातार कवायद की गई। इसी को लेकर आज बाजार में कई लोग नियम की अवहेलना करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद प्रशासन ने आधा दर्जन दुकानों को सील कर दिया। वहीं 50 से अधिक लोगों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। मध्य प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस द्वारा ट्वीट कर लगाए जा रहे आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहीं किसी की समाज सेवा करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन कांग्रेसी उन पर ट्वीट क्यों नहीं करते जो काम करता है। उनकी खामियां निकाली जाती हैं और बाकी पल्ला झाड़ दिया जाता है। इनको आपने पूरे उसमें सुना कि राहुल गांधी जी कह रहे हो कि आज मैं फलाने सेवा काम के लिए जा रहा हूं। इस महामारी में जब वास्तव में आम आदमी तड़फ गया था, जो कोरोना जिसको नहीं हुआ था वो भी भय से भयाक्रांत था इस बीमारी से। माने देश की अधिकांश आबादी कोरोना से भयभीत हो गई थी, मन तमाम आशंकाओं से आशंकित हो गया था, मन अज्ञात आशंकाओं से आशंकित था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी तक एक जगह नहीं दिखे कहीं भी। कहीं गेहूं बांटते दिखे हों, कहीं चाय पाने आते दिखे हों, कहीं दवाई बांटते दिखे, दिखे नहीं होंगे। और इस बात को छोड़ के बाकी सब बातों का कांग्रेस ही ट्वीट कर रहे हैं, इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि आप क्यों नहीं गए। अच्छा, अब तो खत्म हो गया कोरोना, अभी आ जाओ। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के अच्छे कामों पर मुहर लगाते हुए शिवराज सरकार के बैंगलोर रिटर्न्स बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास पूर्वी मंत्री पीसी शर्मा ज्ञापन देने पहुंचे। इस ज्ञापन में उन्होंने बिजली माफी की मांग की। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि कमलनाथ सरकार 100 रुपए बिजली लेती थी, इसी को भाजपा ने यथावत आगे बढ़ाया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर यह भूल गए कि अब वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं और उन्हीं की सरकार में है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखो, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि देश में मध्य प्रदेश सबसे सस्ती बिजली गरीबों को दे रहा है। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। और जब पीसी शर्मा जी भी थे हमारे साथ, उस समय ये नियम बनाता और हमारे सरकार ने मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी ने पूरी सहर्दा से, बीजेपी ने तो कहा था कि हम 200 यूनिट में 200 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, परंतु सरकार ने सहर्दा जनहित में। रायसेन जिले के बेगमगंज में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही लोग अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकल आए और सड़कों और सूनी पड़ी मार्केट में एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिली। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर अपने घर से जरूरत का सामान लेने के लिए मार्केट निकल रहे हैं। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के आदेश पर SDM अभिषेक चौरसिया, SDOP सुनील ने नगर अनलॉक होते ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें नगर के सभी गली चौराहों और मार्केट में राउंड लगाकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवा रही हैं और सभी से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की भी अपील कर रही हैं। दुकानें खुलने का था चुनिंदा शासन के गाइडलाइन के अनुरूप, तो SDM साहब के निर्देश अनुसार और कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप जो है हमने और SDOP साहब, DI साहब ने संयुक्त रूप से भ्रमण करके सुबह के टाइम में और अनाउंसमेंट करवा करके सब जनता को मास्क लगाने के लिए और दुकानों के सामने गोले बनवाए जाएँ जिस तरीके से। इंदौर के राव विधानसभा में 6 करोड़ की लागत से नल जल योजना की शुरुआत की गई। इस मौके पर जीतू पटवारी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में इस योजना को स्वीकृति मिली थी और आज इस योजना को धरातल पर उतारा गया है और जल्द ही बात पंचायत को लेकर नगर पंचायत में तब्दील करने की भी कवायद तेज हो गई है।
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जीतू पटवारी हमेशा से उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। आज उनके द्वारा इस योजना से बाद पंचायत में सैकड़ों घरों को लाभ मिलेगा। पानी की समस्या से भी निजात मिलने से ग्रामीणों में काफी खुशी है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट मिशन मुक्ति कार्यक्रम व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के समन्वय में बाछड़ा समुदाय के जरूरतमंद महिलाओं को राशन किट वितरित की गई। मंदसौर जिला सत्र न्यायाधीश विजय कुमार पांडे और एडीजी रईस खान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और सीजेएम सिंह साहब के द्वारा प्रोजेक्ट मिशन मुक्ति ने 2 माह की राशन सामग्री व दवाई किट करीब 25 गरीब परिवारों को वितरित की। इनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों व एनजीओ की मदद से इन घर में उपयोगी जरूरी सामान को भी वितरित किया गया, ताकि संकट काल में लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जावरा में राशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया। दरअसल कोरोना कर्फ्यू के दौरान तहसीलदार बीएल बामनिया अपने दल के साथ गश्त पर थे, तभी उन्होंने देखा कि सीमेंट सरिये की दुकान में एक पिकअप से गेहूं की बोरियां उतारी जा रही हैं। पूछताछ में पता चला कि ये गेहूं शासकीय है और राशन की दुकान पर बिक्री के लिए जा रहा था, जिसकी जानकारी तहसीलदार ने एसडीएम को तत्काल दी। वहीं एसडीएम ने खाद्य अधिकारी एमएस ठाकुर को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान हम लोग जो है थाना प्रभारी और राजस्व अमले के साथ नगर में भ्रमण कर रहे थे, और एक दुकान पे देखा कि शटर खुला हुआ है, तो हमको शंका हो गई कि शटर क्यों खुला हुआ है। अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर जो है एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी ट्रक की खड़ी थी, तो उसकी जाँच की गई तो मालूम पड़ा कि उसके अंदर जो है शासकीय उपभोक्ता को भेजे हुए देने वाले गेहूँ रखा हुआ था। वो तत्काल कार्रवाई करते हुए फूड ऑफिसर श्री ठाकुर साहब को बुलाया गया। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के दिलीप नगर चौराहे पर कुछ दबंगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेसवे के स्लीपर कोच पे एक युवती की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह हत्या शुजलापुर और शिहोर स्टेशन के बीच में की गई है। हत्या करने के बाद हत्यारा ट्रेन से फरार हो गया। मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही स्लीपर कोच में बैठे अन्य यात्रियों से भी पूछताछ की जा रही है। इंदौर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नॉर्थ तोड़ा में रहने वाली 15 वर्षीय सुमन पवार की जहरीली दवाई का सेवन करने से मौत हो गई। इस पूरे मामले में मृतका के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी सुमन रात में पानी पीने के लिए उठी, लेकिन उसने गलती से किसी जहरीली दवा को खा लिया। वहीं जब पुलिस ने परिजनों से आत्महत्या का सवाल किया तो परिजनों ने इस बात से साफ इनकार किया। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है, जल्द ही इसमें कई खुलासे हो सकते हैं। दीपक पवार, उम्र 16 साल, निवासी नाथतोड़ा, इंदौर। 3 बजे 2:30 बजे की घटना है ये। कोई अज्ञात जहरीली वस्तु के खाने से बेहोश होने से इसको इलाज हेतु मुंबई लेके आए, जो रात में वो आते आते। खबर इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की है, जहां तालाब में कुछ बच्चे नहाने पहुंचे, लेकिन तालाब में पानी गहरा होने के कारण एक बच्चा पानी में डूबने लगा। इस दौरान साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की पानी में डूबकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बच्चे के शव को पानी से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चाटूखेड़ा गांव में अंधविश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। यहां एक बाबा का कहना है कि उनके शरीर में परियों का निवास है और उन्हीं परियों ने उनसे कहा है कि अब कोरोना लौट कर दोबारा नहीं आएगा। यह बाबा आस्था के नाम पर लोगों को जल बांट रहे हैं और थोड़ा थोड़ा जल रोज पीने की बात करते हैं। उनका कहना है कि अब कोरोना कभी वापस लौट कर नहीं आएगा और ये जड़ से खत्म हो जाएगा। अंधविश्वास का यह ड्रामा खुलेआम चल रहा है और कोरोना जैसी घातक बीमारी के नाम पर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है।
रीवा में ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में तकरीबन 150 से अधिक अतिथि शिक्षकों को अभी भी कार्य से हटाने के लिए शिक्षकों का जमकर विरोध देखने को मिला। अपनी समस्याओं को लेकर प्राचार्य से चर्चा की गई, लेकिन किसी भी तरीके का हल इसमें निकल कर सामने नहीं आया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अतिथि शिक्षक डॉक्टर नारायण द्विवेदी ने बताया कि इस महामारी के दौर में हम लोगों को जिस तरह से बाहर निकाला गया है, उससे परिवार को पालने का संकट इस वक्त हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य के द्वारा सभी को कार्य से निकाल दिया गया है। डॉक्टर नारायण द्विवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि प्राचार्य की फूट डालो शासन करो की नीति के तहत तकरीबन 25 लोगों को वापस बुला लिया गया, जबकि 100 से ज्यादा अधिक शिक्षक अभी भी नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्राचार्य अर्पिता का कहना है कि शिक्षण कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है और जैसे आवश्यकता होगी उन्हें पुनः वापस बुला लिया जाएगा। फिलहाल अभी आवश्यकता के अनुसार कुछ लोगों को वापस बुलाया गया है। सर, हम लोग यहाँ पर शासकीय ठाकुर रणमा सिंह महाविद्यालय में जन भागीदारी स्वीकृति अतिथि विद्वान हैं। हम लोगों को हर साल की तरह इस साल भी बिना किसी लिखित सूचना के निकाल दिया गया मौखिक रूप से। फिर हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया जिसमें लिखा कि क्या कहते हैं, आप लोगों को 21 तारीख से, मतलब आप लोगों की क्लासेस बंद कर दी जाती हैं जो कि ऑनलाइन चल रही थी। हम लोगों ने इस बारे में जब बात की तो ये बोला गया कि क्या अभी हम लोगों की 90 दिन की क्लासेस नहीं चली हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसको दूसरे ढंग से वे पे लिया, अपनी मतलब अपने ईगो में ले लिया, सीधा सीधा कहे। अभी आप लोग वहाँ पे खड़े थे, बात करने का टोन भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसा था उनका। टोटल हिटलर शाही है। नहीं, ये स्वीकृति और जनभागीदारी मत से कार्यरत शिक्षक हैं और इनका जो भुगतान होता है वो जो छात्रों की फीस से पैसा जमा होता है उससे होता है। शासन के ऑर्डर्स आए थे कि ग्रीष्मावकाश घोषणा के, तो ग्रीष्मावकाश घोषित होने के बाद अभी चूँकि कोई ऐसा काम महाविद्यालय में नहीं था जो इनसे कराया जा सके और लॉकडाउन पीरियड था तो उसमें हम उनको यहाँ बुला भी नहीं सकते थे, तो इस वजह से हर साल इस तरह के होता था कि इनको ब्रेक दिया जाता था और ब्रेक पीरियड के बाद जब कॉलेज को जितनी आवश्यकता होती उस हिसाब से इनको बुलाया जाता था और धीरे धीरे करके सबकी ज्वाइनिंग होती थी। तो वही हम लोगों ने रीवा में इस वक्त एक गांव लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आया है। दरअसल ये गांव विवाद विहीन गांव है। यहाँ के लोगों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा इतना ज्यादा है कि गांव में रहने वालों को थाने और कचहरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस गांव से अपनी इस खास रिपोर्ट में। भारत में लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो हर रोज सैकड़ों की तादाद में अपराध से जुड़ी खबरें दिखाई देती हैं। आज के दौर में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और किसी भी घटना को अंजाम दे देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रीवा जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां रहने वालों ने आपसी प्रेम और भाईचारे की मिसाल पेश की है। आपको ये जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि आज के समय में ऐसा भी होता है, लेकिन ये बात सही है। सिरमौर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलवा के अंतर्गत आने वाला सागौना गांव विवाद विहीन घोषित किया गया है। सागौना गांव में सबसे ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की है। इनकी संख्या 250 है। वहीं सामान्य वर्ग के 100 लोगों की आबादी है। बात करें पिछड़े वर्ग की तो पिछड़े वर्ग के 30 और अनुसूचित जनजाति के 20 लोग यहां निवास करते हैं। विवाद विहीन योजना 2020 में इस गांव को विवाद विहीन गांव घोषित किया गया है। इस गांव में आगे भी ऐसी स्थिति बनी रहे इसके लिए गांव में 7 सदस्यीय सेवा दल गठित किए गए हैं जो लगातार गांव की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। साथ ही ग्रामीणों के समय समय पर विभिन्न जानकारियां भी दी जाती हैं। यहां रहने वाले लोगों के बीच अटूट प्रेम है। यही वजह है कि इस गांव के लोगों को थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
वहीं यदि इस गांव में कुछ मन मुटाव हो भी जाए तो यह लोग आपस में ही उसे दूर कर लेते हैं। गांव के प्रतिष्ठित लोग स्कूल परिसर में दोनों पक्षों को बिठाकर समस्याओं को दूर कर देते हैं। यही वजह है कि इस गांव के लोगों को FIR कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं पुलिस भी मानती है कि इस गांव के लोगों की ये अच्छी पहल है और दूसरों को इनसे सबक लेना चाहिए। यह हमारे समाज और कानून व्यवस्था के लिए अच्छे उदाहरण है। होना है, मैं राजेश यादव यहाँ का पैरालीगल वॉलंटियर और सदस्य भी हूँ ग्राम सगावना। और यहाँ आदिवासी ज़्यादा बहु हैं यहाँ और जनसंख्या में, और वो पिछड़ा वर्ग कुछ हैं, सामान्य है। और यहाँ झगड़ा विवाद जो होता है आपस में बैठकर समझौता करा लिया जाता है ताकि थाने तक ना जाए प्रकरण, और हो गए ही आज तक नहीं। ठीक। हम लोगों के द्वारा बताया गया कि इस गांव की रिपोर्टें निश्चित रूप से बहुत कम आती हैं, ना के बराबर ही रिपोर्ट आती हैं। ये हमारे कानून व्यवस्था के लिए और साथ में एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जहां भी पुलिस बल की, कानून की, दंड की आवश्यकता कम से कम पड़े, उस समाज को सभ्य समाज के रूप में जाना जाता है। तो बेलवा सिसरी के लोगों ने निश्चित रूप से एग्जाम्पल पेश किया है कि वहाँ कोई विवाद होते नहीं है। अगर कोई विवाद ऐसा हो भी जाता है तो लोग आपस में सुलझा लेते हैं पंचायत के माध्यम से, आपसी सहमति के माध्यम से। मैं थाना प्रभारी को भी बोला है कि हमारे अभी जो ये कोरोना के संबंध में जो दिशा निर्देश है उसके संबंध में एक बार गाँव का भ्रमण भी करेंगे और वहाँ पर लोगों को और जागरूक भी करेंगे वैक्सीन लगाने के संबंध में, साथ ही कोरोना से जो गाइडलाइन है उसके पालन कराने के संबंध में। निश्चित रूप से बेलवा सुसरी के गांव वालों ने एक उदाहरण पेश किया है। जैसा कि रीवा के मामले में आप लोग सब जानते हैं कि छोटे छोटे विवादों में, चाहे वो जमीन का हो, चाहे मेड़ का हो, चाहे खेत का हो, चाहे नाली का हो, छोटे छोटे विवादों में लोग एक दूसरे को मारपीट करते हैं बहुत बुरी तरह से। पूरा का पूरा परिवार, या तो एक परिवार जेल चला जाता है, दूसरा परिवार चोटों के कारण से परेशान हो जाता है, तो दोनों परिवार ही बर्बाद हो जाते हैं और जमीन वहीं, मामला वहीं रखा रह जाता है। तो ऐसे में बेलवा के लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है रीवा के लोगों के लिए, रीवा के उन विवाद करने वाले लोगों के लिए भी जो लगातार किसी न किसी कारण से छोटे छोटे विवादों को बड़ा रूप दे देते हैं। तो मैं उन लोगों की बहुत ही सराहना करता हूं और उम्मीद करूंगा भविष्य में भी उन लोगों से, बेलवा के लोगों से रीवा के लोग सीखें। आज जहां भाई भाई का नहीं होता, पड़ोसियों में आपस में अच्छे रिश्ते नहीं होते, लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, ऐसे में इस गांव का आपसी भाईचारा और प्रेम दूसरों के लिए मिसाल बनकर सामने आया है और लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से रिश्तों में मिठास रखनी चाहिए। प्राइम टीवी के लिए रीवा से मोहम्मद शमीर सौदागर की रिपोर्ट। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।